जय माता दी। दोस्तों, पूजा शक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देख लेते हैं आज के लिए टैरो की क्या सलाह है। सबसे पहले आज का जो कार्ड है वो टैरो क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए, आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ये वीकेंड की वाइब्रेशंस रहेंगी, तो इस वीकेंड पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है चीज़ें आपके फेवर में आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब एंजल्स ने जो है इस कार्ड के लिए क्या बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वाइब्रेशंस आ रही हैं। देखिए, टू ऑफ पेंटिकल हो सकता है पैसों को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, मनी को लेकर थोड़ा सा आपका भी ये भाव चल रहा हो कि पैसा कहीं से आ नहीं रहा है। थोड़े से थॉट्स जो हैं यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर आपको किसी भी तरीके से जो है इसे इग्नोर करना है। यहाँ पर जो है कई लोगों को मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम भी होती हुई दिखाई दे रही, वो हो सकता है अभी पूर्णिमा का चांद जो है शायद आया था, इस वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा आपके लिए जो है कुछ बहुत अच्छा यूनिवर्स ने सोच के रखा हुआ है, तो इसे क्लेम ज़रूर करिएगा। इसके अलावा जो यूनिवर्स है वो क्या हमें सलाह दे रहा है इस समय पर वीकेंड के लिए, हमें और क्या चीज़ों पे जो है फोकस करना है। तो देखिए, वीकेंड के लिए जो है हमें थोड़ा सा अपने आप पर रिसर्च करनी है। हम कई बार जो है लोगों की बातों में शायद अपने आप की चीज़ों को इग्नोर करते हैं, या उनका ही जैसे वो हमारे माइंड में शायद रेंट फ्री रहने शुरू कर देते हैं, तो हम लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं बजाय इसके कि हम अपने आप पर फोकस करें। तो अपनी वाइब्रेशंस पर फोकस करिए, क्योंकि 3 महीने में कोई